Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. एक्सरसाइज फोर जो रेशनल नंबर है उसके अंदर जो पिछला वीडियो था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4 है वो हमने सोल्व किए थे। आज का क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो मैं आपको सोल्व करवाने वाला हूँ। तो रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन, यानी आपको क्या करना है, जो नंबर दिए गए इन नंबरों को आपको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि जो नंबर लाइन है वो होती क्या है। नंबर लाइन होती है आपकी जैसे 0 है, 0 के जो राइट साइड है उसमें आपका होता है पॉजिटिव नंबर, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से नंबर चलता रहेगा। और जो लेफ्ट साइड है उसमें होता है आपका माइनस का, -1, -2, -3, -4 और -5। यानी आपको जो 0 दे रखा है तो 0 के जो राइट साइड है उसमें जो नंबर जो डिनोनेट करता है वो होता है आपका पॉजिटिव नंबर, और जो 0 दे रखा है 0 के आपके जो राइट जो लेफ्ट साइड है उसमें आपका माइनस का नंबर होता है। तो आपका जो 0 है 0 से आपका नंबर स्टार्ट होता है 1, 2, 3, और इधर से आपका 1, 2, 3, 4, 5 नंबर स्टार्ट होता है। तो ये है आपकी नंबर लाइन। इस नंबर लाइन के ऊपर आपको ये जो 3/5 नंबर दिया गया है, 7/8 है, ये नंबर आपको उसमें रिप्रेजेंट करने हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सोल्व करते हैं। यहाँ पे मैं 0 स्टार्ट करता हूँ, और जो नंबर दिया गया वो आपका है कि किसमें दे रखा आपको पॉजिटिव नंबर दे रखा। तो आपको जो पॉजिटिव लाइन है वो आपको बड़ी बनानी है, और नेगेटिव जो लाइन है आपको वो छोटी बनानी है। जैसे इधर तो मैं आपको 1 और 2 नंबर ऐसे ही शो कर रहा हूँ कि इधर आपका क्या है माइनस का नंबर है और इधर आपके पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर है वो आपको कहाँ दे रखा है, 3/5, यानी आपका जो नंबर है वो कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे जो मेन जो नंबर होता है वो आपका नहीं है। इसका मतलब क्या है, 0 से स्टार्ट है और 0 के अंदर जो आपका 0 से 1 में आपका 1, 2, 5 यानी जो 5 नंबर दिए गए हैं वो आपको ऐड करने हैं। तो 1, 2, 3, 4 और जो 5 है वो आपका जो लास्ट लाइन है आपका 5 जो आप यहाँ पे खींचते हो तो उसके नीचे आपको लगाना 1, यानी जो नेक्स्ट नंबर है वो आपका नेक्स्ट नंबर यहाँ पे आएगा। अब आपको जो ऊपर नंबर दिया गया है वो है आपका 3, तो आपको तो लाइन काउंट करनी है 1, 2, 3, यानी यहाँ पे क्या आपका ये नंबर है 3/5। एक बार फिर से नंबर नीचे दिए गए आपको 5, तो 5 जो नंबर है आपको क्या करना है, 0 से 5 लाइन आपको यहाँ पे खींचनी है 1, 2, 3, 4, 5, जहाँ पे आपकी जो लास्ट लाइन होगी 5 उसमें आपका जो नेक्स्ट नंबर आने वाला है यानी 0 के बाद में आता है आपका 1, तो वह 1 आपको यहाँ पे राइट करना है। फिर उसके बाद में जो ऊपर नंबर दिया गया आपको 3, तो 3 लाइन वापस आपको काउंट करनी है 1, 2, 3, यानी टोटल 5 लाइन में से आपका जो 3 लाइन है उसके ऊपर ये नंबर आपको रिप्रेजेंट करना है। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी यहाँ पे आपका कोई भी नंबर नहीं दिए गए सामने, तो आपको 0 से स्टार्ट करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो 8 है उसके ऊपर आपको 1 में करना है क्योंकि आपके 0 के बाद में 1 ही आने वाला, और यहाँ पे ऊपर जो नंबर दिया गया वो आपका 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी जो नंबर आपका 7/8 यहाँ पे राइट होने वाला है। तो ये अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आते, एक बार में कुछ नंबर और राइट करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे 4, 3/5 दिया गया है, तो इस नंबर को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है 0 से, क्योंकि नंबर पॉजिटिव है तो आपको माइनस में आपको यूज नहीं करना, आपको जो पॉजिटिव लाइन है उसमें आपको यूज करना है। तो ये लाइन आपको बड़ी बनानी है। यहाँ पे 4 नंबर दिया गया, तो 4 नंबर से स्टार्ट करेंगे अपन, जैसे 1, 2, 3, 4, यानी ये तो 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 और ये 4, 4 से स्टार्ट करेंगे और आपको लाइन कितनी कितनी है नीचे 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला 4 के बाद में आपका 5, और ऊपर नंबर दिए गए आपको 3, तो 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपको क्या करना है 4 से 5 जो वाली लाइन है 4 में आपका 3, टोटल लाइन कितनी है आपकी 1, 2, 3, 4, 5, तो इस प्रकार से करना है। तो इसके अंदर क्या थी, आपका जो 4 है वो आपको नहीं दिया गया था, तो 4 नहीं है तो आपको जो लाइन थी वो आपको यहाँ तक नहीं आना था, आपको कहाँ से स्टार्ट करना था 0 से 1 के बीच में, ये जो नंबर है वो मैंने यहाँ पे लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट किया है। और यहाँ पे अगर आपके सामने 4 नंबर दिएगा तो आप 4 तक यूज कर सकते हो, और अगर 4 के अलावा अगर आपको नंबर अगर 3 एंड 5 उनमें 8 दिया गया तो आप
जीरो के बाद में 1 2 3, यानी 1 2 3, 3 से आप स्टार्ट करोगे तो 8 लाइन करनी है आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 लाइन करने के बाद में 3 के बाद में नंबर आता है आपका 4। अब आपको जो ऊपर 5 दिया गया वो आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, यानी ये जो नंबर है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग का जो नंबर है वो 3, वो नहीं दिया गया इसलिए आपने कहा इसकी जगह अगर क्या था 0, अगर नहीं दिया गया तो क्या बनेंगे यहाँ पे 0। तो 0 से स्टार्ट किया हमने, यानी 0 और 1 के बीच में हमने इन नंबरों को लिया है, तो 0 और 1 के, तो ये ऑप्शन 0 और 1। नेक्स्ट नंबर आपका दिया गया माइनस का 8/3, यानी अब नंबर किस में दिया गया आपको, माइनस में दिया गया है। और यहाँ पे नंबर है आपका, यानी जो 3 लाइन, अगर आप इस प्रकार से 3 लाइन करोगे तो 3 लाइन में 8 लाइन आपकी आने वाली नहीं है, जैसे यहाँ पे 8 थी, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 8 में से आपने 7 लिया तो 1 2 3 4 5 6 7, इस प्रकार से नहीं होने वाला आपका कि 1 2 3, और 3 में से आपको 8 काउंट करना है तो 1 2 3 4 कहाँ से काउंट होगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो 3 है उसमें 8 है उसमें आपको 3 का डिवाइड देना है, यानी 3 3 3 2 6, यानी 2 टाइम जा रहा है, और कितना रिमाइंडर बचा अपने पास 2, और अपॉन में क्या आपके पास 3, माइनस का तो इसलिए माइनस हो गया। तो जिस प्रकार से भी मैंने सोल्व किया था वो आपका नंबर ये न्यू नंबर आ गया है। तो इसको आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, माइनस का नंबर तो माइनस की ओर चलेंगे, यानी आपको यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 और ये 2। क्लियर करते हैं अपन, 2 से स्टार्ट तो ये माइनस का 1 और ये माइनस का 2, फिर उसके बाद में आपको 3 लाइन का यहाँ पे 3 लाइन खींचनी है, 1 2 3, 3 के बाद में आपको क्या करना है, जो नेक्स्ट नंबर है वो कौन सा आने वाला आपका 2 के बाद में 3, माइनस का 3 आएगा, और ऊपर नंबर दिया गया 2, तो यहाँ से काउंट करेंगे 1 और 2, यानी -2 2 एंड 3। एक बार फिर से इसमें इसका डिवाइड देना है, यानी 3 का डिवाइड दिया हमने 8 में, तो अपना जो मिक्स फ्रैक्शन में नंबर है -2 एंड 2/3, इसको क्या करना है आपको, माइनस में नंबर दिया गया तो आपको सबसे पहले नंबर है 2, तो आपको चलना है 2 पे, यानी -1 और -2, इसके बाद में जो नीचे नंबर है उतने आपको लाइन की काउंट करनी है, 1 2 3, फिर आपको क्या करना है, जो नंबर था उसके नेक्स्ट नंबर क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, तो 3 आपने यहाँ पे ऐड किया है। अगर यहाँ पे 3 की जगह अगर कोई और नंबर होता तो आपको वो नंबर काउंट नहीं करना था, आपको काउंट करना है इसके बाद में जो नंबर आने वाला वो, यानी इसके बाद में क्या आता है, जैसे 3 के बाद में आता है, अगर मान लो 2 के बाद में 3 आए तो 3 के बाद में क्या आता है 4 4 के बाद में 5, तो इस प्रकार से वो नंबर काउंट करने हैं। यहाँ पे जो नंबर दिए गए वो आपको लाइन खींचनी है 1 2 3, अगर जितनी आपको नंबर है उतनी आपको लाइन खींचनी है, और उसके बाद में आपको नेक्स्ट नंबर यहाँ पे राइट करना है, ऊपर वाला जो नंबर है वो आपको काउंट करना है, फिर स्टार्टिंग से 1 2, जो 2 पे आया नंबर वो आपको काउंट नहीं करना है, उसके आगे का जो नंबर है वो आपको काउंट करना है, यानी जो आगे तक नंबर का वो काउंट करना है, क्योंकि जो 2 वाला जो नंबर था वो जिस प्रकार से मैंने ऐसे 1 2 3 इसमें काउंट किया है, उसी प्रकार से जो 2 है वो आपका पीछे काउंट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम ऐसा ही, माइनस का 2 दे रखा तो आपको -1 और -2, अब क्या करना आपको, 2 लाइन खींचनी है यहाँ पे 1 2, तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा आपका -3, और ऊपर जो नंबर दिएगा वो आपका 1, तो इस लाइन के बाद में आपको 1 ये रहा, तो -2 1/2, इसका क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपको 5/7, प्लस का नंबर दिया गया तो आपको प्लस से स्टार्ट करना है 1, यानी आपका सॉरी यहाँ पे जो कोई भी नंबर नहीं है, यानी 0 से स्टार्ट है, तो आपको 7 लाइन काउंट करनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7, और नेक्स्ट नंबर आएगा 0 के बाद में आपका प्लस का 1, ऊपर जो नंबर दिया गया वो आपका 5, तो 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे आपको राइट करना है 5/7। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, चूज द करेक्ट साइन फ्रॉम लेस देन ग्रेटर देन इक्वल एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यानी जो साइन दिए गए इन साइन का यूज करके आपको जो ब्लैंक्स है जो बॉक्स दिए गए इनमें आपको फिल करना है। तो फिल करने के लिए आपको सबसे पहले जो नंबर दिए गए रेशनल नंबर, इनको आपको ये देखना है कि कौन सा नंबर आपका ग्रेटर नंबर है और कौन सा आपका स्मॉल नंबर है, तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई आपका सबसे इजी पैटर्न रहेगा और जल्दी भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो आपको देखना है जो 7 को मल्टीप्लाई करना है 2, तो 7 2 14 हो जाएगा, और 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, तो 5 3 15 होगा, इधर आ रहा है 14, इधर आ रहा है 15, इधर है 15 माइनस का, इधर है प्लस का 14, यानी 7 2 14, और इधर जाएगा -5 मल्टीप्लाई 3, तो 7 2 14 और 5 3 -15, यानी प्लस माइनस माइनस का। तो आपको नंबर देखना है कि प्लस का 14 बड़ा होता है या माइनस का 15 बड़ा होता है,
तो आपको ये देखना है, अगर जो प्लस का नंबर होता है वो आपका बड़ा होता है। अगर मान लो अगर यहाँ पे दिया गया 1 और यहाँ पे है माइनस का 15, तो आपका जो है नंबर 1 क्या है आपका बड़ा होगा। और अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 1 भी है तो ये आपका माइनस 1 बड़ा होगा। अगर माइनस का 14 है और माइनस का 15 है तो नंबर कौन सा बड़ा होगा आपका, माइनस का 14 बड़ा होगा, क्योंकि माइनस में जो नंबर जितना कम होगा वो उतना ही बड़ा होगा, और जितना माइनस में होगा उतना ही आपका जो इस नंबर है वो आपका स्मॉल नंबर होगा। तो यहाँ पे जो 14 है वो आपका बड़ा नंबर है, तो आपका जो 3 अपॉन में जो 2 है वो आपका बड़ा नंबर है। और इसको देखने के लिए आपको देखना है कि जो अगर ये पॉजिटिव है और एक नंबर आपका नेगेटिव दे रखा, तो आपका जो पॉजिटिव नंबर वो आपका ग्रेटर नंबर होने वाला है। तो आपको इसको आसानी से भी देख कर सोल्व कर सकते हो। अगर दोनों एक नंबर आपके नेगेटिव दे रखे तो उसको आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना, यानी 3 को 3 से करेंगे, -3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे करना है 5 मल्टीप्लाई -1, यानी 5 1 जा सॉरी -1 मल्टीप्लाई 5, यानी 5 1 जा 5, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 5 और माइनस का 9 है, यानी -9 और -5। तो बड़ा नंबर कौन सा है, दिखने में तो 9 नंबर दिख रहा है आपको बड़ा, लेकिन जो नंबर है वो आपका माइनस का 5 बड़ा है। तो आपका जो 1 अपॉन में जो 3 नंबर है वो आपका ग्रेटर नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सेकेंड क्वेश्चन आपका ये -1 अपॉन में 4 एंड 1 अपॉन में -3। तो इसको आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो 3 को 1 से करेंगे तो माइनस का 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 3 बंदा हो जाएगा आपका 3। 4 को 1 से करेंगे यानी 4 बंदा 4, तो बड़ा नंबर कौन सा आपका, ये बड़ा है, यानी 4 नंबर बड़ा है, इस तरफ का बड़ा, तो ये आपका बड़ा नंबर हो गया 1 अपॉन में 3। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। ये फोर्थ क्वेश्चन, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई 2, तो क्या जाएगा इधर 4, इधर करना है 7 मल्टीप्लाई 1, तो 7 7, तो बड़ा नंबर कौन सा आपका 7 नंबर, यानी 1 अपॉन में 2 क्या इसका ग्रेटर नंबर है। यहाँ पे देखना आपको -1 मल्टीप्लाई -2, 2 1 जा 2, प्लस माइनस माइनस क्या जाएगा आपका प्लस, और यहाँ करना है 2 मल्टीप्लाई 1, 2 मल्टीप्लाई 1 यानी 2, दोनों में क्या है आपका इक्वल है। इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया -5 और इधर आपको 5 दे रखा है, यानी -5 मल्टीप्लाई 5, तो 5 5 क्या हो जाएगा आपका 25, और प्लस माइनस माइनस, और 4 को 3 से करना है तो 4 3 जा 12, तो बड़ा नंबर कौन सा आपका 12 नंबर बड़ा है, क्योंकि ये माइनस में और ये आपका पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर वो आपका बड़ा होता है ना कि नेगेटिव नंबर। तो 3 अपॉन में 5 क्या है इसका ग्रेटर नंबर है देन 5 अपॉन में 4। तो इस प्रकार से आप जो लेस देन ग्रेटर देन है उनका यूज कर सकते हो। जो भी आपके फ्रैक्शन नंबर होंगे या रेशनल नंबर है, इनका यूज आप इस प्रकार से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, राइट 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 वीक रेशनल नंबर्स, यानी जो आपको रेशनल नंबर्स दिए गए इनके बीच में आपको 5 रेशनल नंबर और आपको फाइंड करने हैं, यानी आपको -3 और -1 के बीच में आपको 5 रेशनल नंबर और राइट करने हैं। तो वो 5 रेशनल नंबर किस प्रकार से राइट किया जाता है वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पे दिया गया आपको -3 और यहाँ पे दिया गया आपको -1, तो सबसे पहले आप इन नंबरों को दोनों नंबरों का जो डिनोमिनेटर है वो आपको इक्वल करना है। तो यहाँ पे इक्वल करने के लिए किस प्रकार से अपन सोल्व करेंगे, यानी अगर आप यहाँ पे जो 3 दे रखा है, 3 में अगर आपको डिवाइड, सॉरी ऊपर नंबर आपको लेना है 6 और उसमें डिवाइड देना आपको 2 का, तो क्या होगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी आपका क्या आएगा आंसर -3, यानी ये वैल्यू आपकी क्या इसके इक्वल में। यहाँ आप क्या कर सकते हो -3 इक्वल टू 3, यानी 3 3 1 3 1 जा 3, यानी 1 टाइम -1, तो ये आपकी वैल्यू ये इक्वल हो गए। लेकिन यहाँ पे जो आपका 6 और 3 है इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो, यानी जो बीच में नंबर वो कितने आने वाले, -5 और -4, यानी वैल्यू कितनी है अपने पास ओनली 2, लेकिन अपने वैल्यू कितनी चाहिए 5, इसलिए अपने जो नीचे का जो नंबर है वो अपन क्या करेंगे थोड़ा नंबर बड़ा करेंगे। तो इसके नीचे आपको ऐड करना है, अगर यहाँ पे लेता हूँ मैं आपका 9, तो 9 में आपको डिवाइड देना -3 का, और यहाँ पे आपको नंबर लेना है -3 अपॉन में 3, तो 3 1 जा 3 और यहाँ 3 3 जा 9, यानी आपका -3 और -1 आपका नंबर आ गया। तो यहाँ पे जो दोनों के बीच का जो नंबर है वो क्या आ सकता है आपका 8 है 7 है 6 है 5 है और 4 आ सकता है। तो इस प्रकार से आप इनके नंबर राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे इनके जो नंबर है वो क्या लेना है आपको -9 अपॉन में 3 एंड -3 अपॉन में
थ्री, इस प्रकार से आप इनको राइट कर सकते हैं। थ्री में थ्री का डिवाइड देने पे आपका माइनस वन आएगा, और थ्री का नाइन में डिवाइड देने पे आपका माइनस थ्री आएगा। तो इसके जो बीच का जो नंबर है वो क्या होंगे आपके, माइनस एट अपॉन में थ्री, माइनस सेवन अपॉन में थ्री, माइनस सिक्स अपॉन में थ्री, और इसमें आपका डिवाइड देके आप डायरेक्ट नंबर भी लिख सकते हो, यानी थ्री वन थ्री, थ्री टू सिक्स, यानी माइनस का टू भी आप यहाँ पे राइट कर सकते हो। तो दोनों नंबर में आप एक नंबर राइट कर सकते हो, यहाँ पे माइनस टू भी आप राइट कर सकते हो। फिर होगा आपका माइनस फाइव अपॉन में थ्री, और लास्ट आपका फोर अपॉन में थ्री। तो वन टू थ्री फोर फाइव नंबर आपके पास आ चुके हैं। तो इस प्रकार से इनके जो रेशनल नंबर वो आप फाइंड कर सकते हो। इसके बाद में सेम क्वेश्चन आपका दिया गया है, जीरो एंड माइनस वन, यानी जीरो एंड माइनस वन के बीच में आपको जो वैल्यू है आपके फाइव नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। तो फाइव नंबर्स आपको फाइंड करने हैं, तो आपको देखना है कि जीरो और वन है, तो अगर आप नंबर नीचे फाइव लोगे डोमिनेटर, तो आपको फोर नंबर ही फाइंड होंगे। इसलिए आपको जो नीचे डिनोमिनेटर जो नंबर है वो आपको सिक्स लेना है, यानी आपको राइट करना है जीरो अपॉन में सिक्स, और यहाँ पे आप एंड माइनस वन अपॉन में सॉरी सिक्स अपॉन में सिक्स, यानी सिक्स में सिक्स का डिवाइड देंगे तो क्या आएगा आपको माइनस वन, और जीरो में सिक्स का डिवाइड देने पे आपका आंसर क्या आएगा जीरो आएगा। तो इस प्रकार से भी आप इसको राइट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो नंबर दिया गया, इस तरफ आपका पॉजिटिव है और इस तरफ आपका नेगेटिव है, तो आपका जो नेगेटिव नंबर वो इस तरफ आता है और पॉजिटिव आपका राइट साइड आता है, यानी जो नंबर से आप इनको चेंज करके राइट करेंगे। तो माइनस सिक्स के बाद में क्या आता है, माइनस फाइव आता है, फिर माइनस फोर आता है, माइनस थ्री, माइनस टू और माइनस वन, वन टू थ्री फोर फाइव नंबर आ गए, और अपॉन में क्या था आपके पास सिक्स। तो जो ये दो नंबर है, इन दोनों नंबरों की जगह आप जैसे वन अपॉन में टू भी राइट कर सकते हो, और वन अपॉन में थ्री भी राइट कर सकते हो, या जिस प्रकार से नंबर है उसी प्रकार से भी आप इनको राइट कर सकते हो। तो ये थे आपके फाइव फ्रैक्शन नंबर जीरो एंड माइनस वन के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड, जिसमें दिया गया वो माइनस फोर अपॉन में फाइव एंड माइनस फाइव अपॉन में सेवन, यानी फ्रैक्शन में नंबर दिया गया, सॉरी रेशनल नंबर आपका। तो इसमें क्या करना है, जो फाइव और सेवन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम क्या होगा आपका थर्टी फाइव हो रहा है, लेकिन थर्टी फाइव के अकॉर्डिंग अगर इनमें इनका जो बीच का जो डिफरेंस देखूंगा वो आपका नहीं आने वाला। तो इसमें जो बड़ा नंबर वो मैं लूंगा आपका सेवनटी। तो नीचे जो नंबर है, मैं अगर मैं सेवनटी राइट करता हूँ, तो आपको कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया है मैंने इसको 70 को, फाइव टाइम। तो फाइव यानी 14 टाइम किया, तो 14 से मल्टीप्लाई करना है इसको, यानी मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई किया है, तो 14 से मल्टीप्लाई करना आपको 4 से, तो क्या आएगा आपका 56। इसी प्रकार से आपको इन नंबरों को भी राइट करना है। तो आपका जो 70 है वो कब होने वाला है, यहाँ पे सेवन टाइम मल्टीप्लाई कर, टेन टाइम मल्टीप्लाई करने में, और टेन से मल्टीप्लाई करना फाइव को, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस फिफ्टी। अब दोनों के जो बीच का जो डिफरेंस वो आपको देखना है, यानी क्या होगा माइनस का जो नंबर है, इन नंबरों को अगर आपको चेंज करना है, क्योंकि इधर आपका नंबर क्या है सॉरी यहाँ पे राइट करना आपको 56 से कम जो करना आपको क्या आएगा 55, 54, 53, 52 और 51, यानी माइनस के नंबर है सभी, और अपॉन में क्या था आपका 70। यानी मैंने जो दोनों नंबर थे 5 और 7 दोनों के जो नीचे जो 70 नंबर दिया वो किस प्रकार से लिया वो आपको देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया है 70 आया, और इसको भी 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया आपका 50 आ गया। यहाँ मैंने इसको 14 से मल्टीप्लाई किया तो 70 आया, और ऊपर जो 14 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है आपका 56 आया। 14 से मल्टीप्लाई क्यों किया, 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, वो आपको इसके अकॉर्डिंग जो नंबरों का जो डिस्टेंस है दूरी है वो आपको देखनी है। अगर मैं यहाँ पे नंबर कुछ और लेता हूँ, तो या जो आपके नंबर है वो आपके 5 नंबर नहीं आने वाले, वो आपके 3 नंबर या 4 नंबर या 2 नंबर ही फाइंड होने वाले हैं। तो 5 नंबर फाइंड करने के लिए जो नंबर है आपको आगे से आगे बढ़ाते रहना है। अगर मैं यहाँ पे इन दोनों का अगर 35 लेता हूँ नंबर, अगर तो 35 के लिए आप इसको करना है आपको 7 से मल्टीप्लाई, तो 7 से यानी आपका 35, और इसको भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 28। नेक्स्ट नंबर है यहाँ पे, इसको करना है 5 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला जो नंबर है उसको भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो होगा आपका 25। तो 28 और 25 के बीच का जो नंबर है वो क्या होगा आपका माइनस का 27 और माइनस का 26, यानी आपके कितने नंबर आ रहे हैं, टू ही नंबर आपके यहाँ पे फाइंड हो रहे हैं। तो इसलिए जो नंबर है मैंने आपको क्या लिया यहाँ पे
17 नंबर लिया है। तो इस प्रकार से आप नंबरों को बढ़ा के भी देख सकते हो। अगर इसके अलावा जो दूसरा नंबर जो लेना है, अगर आप यानी ये नंबर और ये नंबर आपको दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो आपको इक्वल करना है, तो इक्वल करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 एंड 1/4, दोनों के बीच का जो आपको रेशियो जो 5 रेशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं। तो इसके अंदर जो आपको नंबर है वो जो डिनोमिनेटर है वो आपको इक्वल करना है। इक्वल करने के लिए आपको देखना है कि एवरेज कौन सा नंबर अपन ले जिसके अंदर दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 नंबर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर मैं अगर 2 की जगह मैं ऐड करता हूँ और यहाँ पे 4 की जगह भी मैं क्या करता हूँ ऐड करता हूँ, यानी इसको तो मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर क्या लिखना है आपको 2। यहाँ मैंने किया इसको 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर आपको क्या ऐड करना है 4, यानी 4 बन जा 4। अगर इसको कट करूँ मैं 4 बन जा 4, 4 टू जा 8 यानी 1/2, वही आपका नंबर आने वाला है। और 2 बन जा 2, 2 4 जा 8 यानी 1/4 आपका वही नंबर आने वाला है। लेकिन यहाँ पे जो ऊपर 4 और 2 है दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो नंबर कौन सा है, ओनली 3, यानी ओनली क्या आया आपके पास 1 नंबर आया है। इसलिए जो नंबर नीचे वाला वो मैं और बड़ा बढ़ाने वाला हूँ। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे नंबर लेता हूँ 20, यानी इसको मैंने किया 10 से मल्टीप्लाई 20, और इसको किया मैंने 10 से मल्टीप्लाई 10, इसको मैंने 20 करने के लिए इससे मल्टीप्लाई किया मैंने 5 से, यानी 5 और 20, तो 5 से मल्टीप्लाई करने इसको 1 से, यानी जो भी नंबर इनको आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, यानी 5 से किया इसको मैंने किया 10 से, तो 10 2 20 और 5 4 20, और ऊपर नंबर 10 1 10 और 5 1 5, दोनों के बीच का जो नंबर है वो आपको देखना है। यानी यहाँ पे आएगा आपका 9 8 7 6, कितने नंबर है आपके पास, ओनली 4 नंबर, लेकिन यहाँ पे राइट कितने सॉरी फाइंड कितने करने थे आपको 5 नंबर, तो ये भी क्या आपका कम है, इसलिए मैं इसको और डबल कर देता हूँ। ट्वेंटी की जगह मैं इसको कर देता हूँ डायरेक्ट 40 नंबर। तो 40 करने के लिए क्या करना है इसको 1/2 मल्टीप्लाई 40 के लिए आपको इसको 20 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा आपका 20 और नीचे जाएगा आपको 40, यानी 40 20 20, 20 2 40, यानी 1/2 इसका 20 करने के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1/4 मल्टीप्लाई 1/4, इसको करना आपको 10 से मल्टीप्लाई, 10 1 10 और 10 4 40, अब दोनों के बीच का जो नंबर है वो आपको फाइंड करना है। यहाँ पे दिया गया 20 और यहाँ पे आपका 10, तो 10 से 20 के बीच में आप कुछ भी नंबर आप राइट कर सकते हो। यानी जैसे अगर मैं 20 से अगर नंबर लूँ तो 19 18, तो ये इस प्रकार से नंबर चल रहा है आपको, तो आपको क्या करना है नंबरों को चेंज करना है, क्योंकि जो नंबर आपका जो नंबर लाइन होती है वो होती है आपकी 0 से 1 2 3 4 5, इस प्रकार से नंबर चलता है। तो आपको जो नंबर वो आप इधर से राइट करने, यानी 10 10 के बाद में आता है आपका 9 11 सॉरी 9, तो ये बड़ा नंबर लेना आपको 11 12 13 14 एंड 15, अपॉन में नंबर आपका था 40। इस प्रकार से आप इसके जो 5 रेशनल नंबर वो आप इनके फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 5/2, सो 2/5 एंड -4/5, तो दोनों का जो रेशनल नंबर आपको फाइंड करना, तो यहाँ पे दिया गया आपको 2 से लेकर 4 तक, माइनस का 4 है ऑलरेडी, आपको देखना कि 2 से लेकर 4 तक आपके नंबर है या नहीं है। तो यहाँ से 2 से देखना आपको, तो आपका हो जाएगा -1 है सॉरी प्लस 1 होगा 0 -1 -2 और -3, तो आपको 1 2 3 4 5 नंबर आपका यहाँ पे पहले से दिया गया। तो आपको क्या करना है, ये नंबरों को चेंज करना है, क्योंकि जो माइनस का नंबर है वो आपका होगा ये लेफ्ट साइड में और पॉजिटिव नंबर आपका होगा राइट साइड पे। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले -4/5 एंड 2/5 राइट करना है। अब हम दोनों के बीच का जो नंबर है वो आप राइट कर सकते हो, यानी यहाँ पे जैसे -4 या -5, तो इसके बीच में इससे लेकर आपको कहाँ तक नंबर फाइंड करने है, 2 तक, तो नंबर क्या आपका बीच में -3 -2 -1, फिर आएगा 0, फिर आएगा आपका +1, और अपॉन में क्या दिया गया इनके सबके बीच में 5 दिया गया है। तो 0 के नीचे आपको कोई नंबर ऐड नहीं करना है, क्योंकि 0 में अगर किसी नंबर का डिवाइड दोगे तो आंसर आपका 0 ही आने वाला है। इस प्रकार से आप इनके 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका -2 एंड 0, तो -2 एंड 0 से अगर आपको नंबर देखना है, यानी 0 से आपको -2 के बीच में, तो कितना नंबर है आपका, ओनली 1 नंबर है। तो आपको क्या जो नंबर से है वो इनकी आपको जो डिनोमिनेटर है आपका वो आपको बढ़ाना है। तो आपको क्या करना है, यानी वो आपको -2 कब आएगा,
आपको करना है इसमें 10 में डिवाइड देना है आपको 5 का, 0 में डिवाइड देना आपको 5 का। यहाँ से 0 से लेकर अगर आप 5 का नंबर देखोगे तो इसके बाद में आपका जैसे 5 5 5 2 10 यानी माइनस का 2 और देने पर आएगा आपका 0, यानी ये नंबर आप सही है आपका। तो यहाँ पे आपको देखना है 10 से लेकर 0 तक, तो 10 के बाद में क्या था आपका 9 है, 8 है, 7 6 5, अपॉन में आपको राइट करना है 5, ये हो गया 5 रेशनल नंबर। तो इस प्रकार से आप किसी भी नंबर का रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हो। जितने आपसे पूछे जाए कि 2 राइट करने है या 3 है या 5, जितने भी आपको बोले उतने बड़े नंबर आपको लेकर इनका रेशनल नंबर आप राइट कर सकते हो।